ठीक है। अब सिटी अकाउंट में जाते हो आप, ठीक है ना, आप क्लाइंट से मांगते हो कमीशन फर्ज करो 4,000, अच्छा, और जीवन में मांगते हो 4,000। ये वो प्रॉपर्टी है जो मार्केट में सबके लिए ओपन है, ठीक है। अब इसमें कोई एक बहुत बड़ी एजेंसी भी है जो उसको सर्विस दे रही है, वो भी उससे बोले ली, आप भी बोले लो। अब इसमें आपने क्लाइंट को बीट करना है और अगर क्लाइंट को अपने साथ खींचना है ना, तो आपको कमीशन 5% चार्ज करना पड़ेगा, फिर वो क्लाइंट आपके पास आएगा। कोई ऐसी चीज करो जो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा, सर्विस आप दे रहे हो नो डाउट, जो एक्सक्लूसिव यूनिट है ना उसके ऊपर आप जितना चार्ज करो उसकी वजह से वो हमारे पास है, बिना क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव नहीं है, मार्केट की ओपन प्रॉपर्टी है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे जाओ, क्योंकि देखो हमारे लिए ये अच्छी अमाउंट है, एज ए कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी अमाउंट है, एज ए एजेंट आपके लिए क्या है कि अगर आप चार क्लाइंट भी लेके जाते हो और चार में से एक क्लोज होता है आपका, आप चार जाते हो 4,000 बोलते हो भाग गया किसी और से ले गया, किसी और से ले गया, आपने 16,000 तो कमाना था लेकिन आपने उसमें से कमाया 0 या 1 क्लोज किया, आपने 4,000 कमाया, ये 5% के अगर आप लेते हो, आप 5 यूनिट क्लोज करते हो, आप कमीशन तो अपना काम करो आपका, ये एक तो 5 ट्रांजैक्शन हुई, एक आपका मोरल भी हाई हुआ, ये भी 5 ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन आपको सिखाती है, हर ट्रांजैक्शन से आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन भी आपका हो गया। उसके अलावा बाकी जब आप जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो उतनी आपकी मार्केट में वैल्यू बनती है, उतना क्लाइंट बनता है, और जिस क्लाइंट को भी सर्विस दो ना, क्लाइंट को भी है, जब उसको सर्विस दो ना, उसको फुल सर्विस दो, वही क्लाइंट आपको रेफर करेगा। अगर आपसे किसी क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस दी तो वो आपको 4 क्लाइंट देगा उसके, तो ये आपका सर्कल बन जाता है। लेकिन इसी क्लाइंट को अगर आपने सर्विस सही नहीं दी किसी भी वजह से, तो वो आपको ये सारी चीजें रुक जाती है। तो कभी भी जो हमारा मेरा अपना असूल है, कभी भी किसी से झूठ ना बोलो, कभी किसी को गलत बात ना करो, जो डील होनी है आना है वो आपके पास आना ही आना है, ठीक है। पैसे के पीछे ना भागो, रिलेशन के पीछे हो, पैसा मैटर करता है लेकिन रिलेशन ज्यादा मैटर करता है। आज तक हम लोग बैठ के जो बिजनेस कर रहे हैं, या मटिंडा या मैं कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशन बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ये असल आपकी आपकी जो एसेट है ना हमारा, ये है कि लोग हमारे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। एसेट ये नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया, पैसा आज या सुबह पता नहीं अकाउंट में है या नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन एसेट जो है ना वो हमारे चल रही है, उसी एसेट के बिहाव पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हो, हर बंदे ने सीखा है, इनाम तुमने भी सीखा है, अरसलान तुमने भी सीखा है, फातिमा तुमने भी सीखा है, रिजवान यहाँ पे काम कर रहा है, हर बंदे ने, उमर टिल्ला की एसेट है, हम लोगों ने भी सीखा है और टिल नाउ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो एसेट बनाओ ना कि पैसा, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। यही जो रेंटल का क्लाइंट है ना, ये बायर भी करता है, ये किसी कजन को भी बाय कराता है, किसी रिलेटिव को भी बाय कराता है, और हर जो बायर डायरेक्ट आपका बायर होता है ना, उनके 2 बायर और भी होते हैं, डिपेंड करता है सर्विस क्या दे रहे हो। सर्विस के ऊपर 0.0.01% भी कंप्रोमाइज नहीं है, क्लाइंट सर्विस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है,